अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है डिसमिनेटिंग कादियानी फेथ ऑन सोशल मीडिया, यानी कादियानी अकीदे को सोशल मीडिया के जरिए फैलाना, कानूनी लिहाज से इसका क्या स्टेटस है, ये आज के हम लीगल लेक्चर में देख रहे हैं। देखिए, अगर कोई कादियानी सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फेसबुक ट्विटर के थ्रू ब्लास्फेमियस कंटेंट जो है वो अपलोड करता है, उसको फैलाता है, कादियानी मजहब की को प्रचार करता है और अपने मजहब को फैलाता है, तो ये इलीगल होगा, तो ये एक गैर कानूनी काम होगा। और उसके लिए अगर हम देखते हैं पाकिस्तान पैनल कोड में इसके लॉ भी मौजूद है। पाकिस्तान पैनल कोड का सेक्शन 295B है, 295C है और 120B है, जो इसी से रिलेट करते हैं। और इसके अलावा हम अगर देखते हैं अंडर सेक्शन 11 है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का, वो उस जुमरे में आता है। अगर कोई कादियानी अपने मजहब का प्रचार करता है, अपने मजहब को पाकिस्तान में सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर के थ्रू या इंटरनेट ईमेल के थ्रू अगर अपना मजहब को फैलाता है, उसका प्रचार करता है, तो ये गैर कानूनी होगा, ये गैर आईनी होगा और ये इलीगल एक्ट होगा। इस बुनियाद पर उसके खिलाफ FIR भी लाज की जा सकती है। और ये सब जो वो काम करेगा, ये अगर प्रूफ हो जाता है तो ऑफ कोर्स उसको ना तो जमानत मिलेगी बल्कि उसमें उसको सजा भी हो जाएगी। ये लेटेस्ट केस है जो कि रिपोर्टेड है 2022 में, उसके बारे में जो हम बताते हैं। 2022 SCMR पेज है 1511 है, 1511 है SCMR 2022 का, जो कि दो सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसला है, जस्टिस मजहर आलम खान मंदोखेल और जस्टिस जमाल खान जस्टिस मजहर खान मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, सुप्रीम कोर्ट के DB का ये फैसला है, जिसमें बेल को जो है इस तरह के मैटर में बेल को रिफ्यूज कर दिया गया था और इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने उसको सजा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी बेल रिजेक्ट कर दी थी और उसकी जमानत नहीं दी थी। ये कहा गया था कि इन्होंने कादियानी ने इन्होंने कुरान मजीद को डिफाइल करने की डिफाइल ट्रांसलेशन कुरान मजीद का जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू और प्रचार करने की कोशिश की थी, कुरान मजीद को डिफाइल करने की कोशिश की थी ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू। इस वजह से उसको सजा दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बरकरार रखा और उसकी जमानत भी रिजेक्ट कर दी। तो ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि कादियानी मजहब जो है वो डिसमिनेटिंग अगर कादियानी करते हैं, अपने फेथ को सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिश करते हैं तो, और कुरान मजीद को डिफाइल करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये गैर कानूनी एक्ट होगा, जो पाकिस्तान PPC 295B 295C और 120B के अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम 11 की भी खिलाफ वर्जी होगी, जिस पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।